सरदारपुर विकास खंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मतदान 8 जुलाई 2022 को अंतिम चरण में होगा। उसी को लेकर जब पंच सरपंच जनपद पंचायत के उम्मीदवार गांव-गांव में जाकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करते दिखाई दे रहे हैं, वहीं उस कड़ी में गोलपुरा सहित अनेक गांव जिला पंचायत के वार्ड नंबर 7 से उम्मीदवार विजय लक्ष्मी तोलाराम गामड़ मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करते नजर आई। गौरतलब है कि इनका चुनाव चिन्ह 2 पत्ती है। गांव सहित इनके क्षेत्र में इन्हें भारी समर्थन जनसंपर्क के दौरान दिखाई दे रहा है। वहीं गोलपुरा सरपंच पद हेतु दीपिका अर्जुन गामड़ मैदान में है। इनका चुनाव चिन्ह कांच का गिलास है। देखें पूरी खबर मेरा देश मेरा प्रदेश पर। सरदारपुर से विक्रम सिंह चावड़ा की रिपोर्ट। 8 साल बाद त्रिस्तरीय पंचायत का चुनावी का दौर है। जनता और समाज सड़क बिजली पानी और परेशानियों से त्रस्त है। जो लोग पहले चुनाव जीतकर जिला पंचायत और ग्राम पंचायतों में गए थे वो 8 साल तक गायब रहे और पूर्ण रूप से ग्रामीणों में बड़ा रोष है। मेरी मम्मी जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 7 से चुनाव लड़ रही है और हम हर मतदाता एक घर घर जाकर मिल रहे हैं और पूर्ण रूप से अच्छा समर्थन मिल रहा है। लोग जनता सोच रही है जो हमारे साथ खड़े रहेगा उसको ही वोट मिलेगा और 8 साल तक जो गायब रहे उन उम्मीदवारों को लोग इस बार भगाने का प्रयास पूर्ण रूप से कर रहे हैं। हमारा पहली प्राथमिकता है हर गरीब के लिए 108 की एम्बुलेंस की तरह उसके लिए 24 घंटे में खड़े रहना, ये हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। राजेंद्र सिंह गामड़, सामाजिक कार्यकर्ता सलाह। आप जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या जनता से समर्थन मिल रहा है? हम जिला पंचायत का चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ रहे हैं और हर गांव में हमको लोग खुल के समर्थन दे रहे हैं। हमारा विकास का मुद्दा है, लोगों के हित के गरीबों के कल्याण का मुद्दा है, लोगों की समस्याओं का मुद्दा है और हम समस्या के निदान के लिए हर समय लोगों के लिए साथ खड़े रहते हैं, उनके लिए लड़ते हैं और उसी का नतीजा है हमको हर गांव में भारी से भारी जन समर्थन मिल रहा है। हम आम लोगों से कहना चाहेंगे कि आप लोग सभी हमारे मतदाता बंधुओं ऐसे लोगों को नहीं चुने जो आपको वोट लेके 8-8 साल तक गायब हो जाते हैं। आपको पैसे की लालच देते हैं, दारू की लालच देकर वोट ले जाते हैं, 20-20 साल आपका बिगाड़ के चले जाते हैं, क्षेत्र का विकास रुक जाता है, लोगों की समस्या जैस की तज बनी हुई रहती है। आज तक समस्या निदान नहीं हुआ और समस्या को लेकर गंभीर मामला अभी चुनाव में मुद्दा बना हुआ है। लोग भारी से भारी संख्या में समस्याओं के लिए मांग कर रहे हैं, हमारे से मांग कर रहे हैं और अन्य प्रत्याशियों से भी मांग कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास समस्याओं का समाधान है। हम उनको आश्वासन दे रहे हैं क्योंकि हम हर समय लोगों के साथ खड़े रहते हैं, इसलिए हमको भारी से भारी संख्या में समर्थन हमारे साथी लोग मतदाता बंधु दे रहे हैं और अन्य जो लोग हैं वो समस्याओं को देख के भाग रहे हैं। उनने कई बार पहले लोगों के वोट लिए झूठ बोल के, वो लोग लोगों को देख के भाग पीछा छुड़ाने के लिए भाग रहे हैं। वोट लेना तो ठीक है, अब वो उन लोगों का पीछा छुड़ाने के लिए भाग रहे हैं। मेरा नाम तोलाराम गामड़ है, मैं पूर्व जिला पंचायत सदस्य हूं और वर्तमान में मैडम विजयलक्ष्मी गामड़ चुनाव जिला पंचायत 7 नंबर से लड़ रहे हैं। हम आशा करते हैं कि हमको इस चुनाव